आप सभी को नमस्कार दोस्तों, मैं वीरभान आपको vsplusonline.com से आज जानकारी देने जा रहा हूँ दूध सॉफ्टवेयर की, जो सिर्फ मिल्क चिलिंग सेंटर के लिए काम आते हैं। तो इस सॉफ्टवेयर में सर्वप्रथम आप देखेंगे इंट्रोडक्टरी स्क्रीन है, जिसमें हमारे कॉन्टैक्ट नंबर, मेल आई डी वगैरह सब कुछ मिलेगा आपको। उसका यूज़र एंड पासवर्ड का लॉग इन एक मेन्यू आएगा, जिसमें यूज़र एंड पासवर्ड डाल के आप लॉग इन कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर लॉग इन होने के सबसे पहले आपको मिलेगा एस एन एफ फॉर्मूला मॉड्यूल के अंतर्गत आप किसी भी कंपनी का, किसी भी डेयरी का आप एस एन एफ फॉर्मूला इसमें डाल सकते हैं, चाहे सरस का है, चाहे अमूल का है, नेस्ले। उस एस एन एफ फॉर्मूले के हिसाब से आप दूध कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद जो दूसरा ऑप्शन है हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर, जो सर्वप्रथम ऑप्शन है, वो रूट है कि किस रूट से आपका दूध कलेक्ट होता है और उस रूट में कितने सदस्य हैं, वो भी आप इसमें बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो होता है वो मेंबर और सोसाइटी अकाउंट बनाना। आपने रूट बना लिया है, रूट के बाद उस रूट के अंतर्गत कितने सदस्य आपके हैं, तो उसके लिए आप मेंबर सोसाइटी अकाउंट में जाएंगे, ऐड करेंगे सदस्य का नाम है, एड्रेस है, नाम है उसका, कॉन्टैक्ट पर्सन नेम है, एड्रेस है, मोबाइल नंबर वो डालेंगे। साथ में आपको ये डालना है कि नीचे कमीशन कितना मिल रहा है उनको, हेड लोड कितना देना है या कैन हैंडलिंग चार्ज क्या डिडक्ट करना है। हमारे सॉफ्टवेयर में जो रेट लिस्ट है वो आप चार प्रकार की रेट लिस्ट डाल सकते हैं। चार रेट लिस्ट में चाहे आप फैट सी एल आर की रेट लिस्ट बनाना चाहे तो फैट सी एल आर की बना सकते हैं, फैट एस एन एफ भी बनाना चाहे तो फैट एस एन एफ भी बना सकते हैं। इसके बनाने के लिए सिंपल है कि आप मास्टर में क्लिक करके प्राइस लिस्ट सी एल आर फैट में जाइए। सी एल आर फैट में जाने के बाद सर्वप्रथम सबसे ऊपर कंट्रोल्स के ऊपर प्राइस लिस्ट लिखा हुआ है, प्राइस लिस्ट पर क्लिक करके प्राइस वन को सिलेक्ट करना है। प्राइस वन सिलेक्ट करने के बाद आपको इस सॉफ्टवेयर के अंतर्गत बेस रेट क्या है, इंक्रीमेंट क्या है, फैट रेट, इंक्रीमेंट स्टेप, फैट एंड और सी एल आर डालना है। जैसे आप सी एल आर पर ये सब डाल के आप अपडेट करेंगे तो ये पूरा का पूरा कॉलम अपडेट कर देगा, मैनू ऑटोमेटिक अपडेट करेगा। अगर रेट लिस्ट में आपको मान लीजिए रेट बढ़ोतरी करनी है, मान लीजिए एक रुपये का इंक्रीमेंट आया हुआ है और सारे रेट में एक रुपये बढ़ाना है, तो इसमें सिंपल ऑल जहाँ पर ऑल प्राइस लिस्ट लिखा हुआ है वहाँ पर प्लस माइनस वन ऐड करके अपडेट करेंगे तो एक रुपये बढ़ जाएगा, और माइनस दो करेंगे या माइनस दो जो भी आपको वैल्यू को कम करना है वो करके अपडेट करेंगे तो वो डिडक्ट हो जाएगा। इस तरह आप रेट लिस्ट तैयार कर सकते हैं। एक और ऑप्शन हमारे सॉफ्टवेयर में दिया हुआ है रेट लिस्ट तैयार करने का, जिसे कहते हैं ऑटो प्राइवेट रेट लिस्ट। मतलब जो प्राइवेट रेट होता है दूध का, मान लीजिए आज 3500 का भाव है या 4000 का भाव है, उस रेट लिस्ट से भी आप प्राइवेट अपना रेट से भी रेट लिस्ट तैयार कर सकते हैं। उसके लिए आपको सबसे नीचे प्राइस लिस्ट प्राइवेट रेट पर क्लिक करना है, प्राइस लिस्ट सेलेक्ट करना है। प्राइस सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर लिखा हुआ एंटर टाइप प्राइवेट रेट एंड प्रेस एंटर, यहाँ पर एक रेट डालना जैसे 3200 का भाव या 3500 वो डाल के सिर्फ एंटर दबाना है। एंटर दबाने के बाद अपडेट पर क्लिक करना है। इसी क्या करेगा, पूरी की पूरी रेट लिस्ट ऑटोमेटिक ही तैयार कर देगी प्राइवेट रेट के भाव से। मतलब 3200 के भाव से रेट लिस्ट तैयार करना चाहिए 3200 के से, आप 4000 रेट से तैयार करना चाहिए 4000 के रुपये से भी आप रेट लिस्ट में तैयार कर सकते हैं। नेक्स्ट मिल्क परचेज, एक ऑप्शन आता है अपने मिल्क परचेज। जब दूध परचेज करते हैं इस सॉफ्टवेयर से दूध परचेज कर सकते हैं। दूध परचेज करने का ऑप्शन दोनों फैट सी एल आर या फैट एस एन दोनों मोड में परचेज कर सकते हैं। सिंपल ऐड करना है, सदस्य कोड नंबर डालना है, वेट कितना लिया है, फैट सी एल आर एस एन एफ क्या है वो इनपुट करने के बाद ऑटोमेटिक रेट आ जाते हैं। रेट आने के बाद वो अमाउंट कमीशन क्या उसका बनता है, हेड लोड क्या बनता है और कैन हैंडलिंग चार्ज क्या डिडक्ट होता है वो भी टोटल कैलकुलेट हो जाता है इसी समय पर। उसके वजह से करके सेव कर देना है। सेव करने के बाद ये ऑटोमेटिक उसके खाते में इनपुट हो जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन जो ये छोटा बिल देख सकते हैं, जिसके अंतर्गत आप देख रहे हैं बैलेंस नीचे करंट बैलेंस अमाउंट भी दे रहता है हर स्लिप के अंदर। जब भी दूध तोलते हैं तो स्लिप जो निकलती है छोटी सी पर्ची निकालना चाहें उसमें करंट बैलेंस अमाउंट होता है। नेक्स्ट ऑप्शन, जब सदस्य हम दूध ले रहे हैं उनको घी, कैटल फीड, घी मटेरियल अदर भी हम इशू कर सकते हैं, वो आइटम सेल मॉड्यूल के अंतर्गत आता है। आइटम सेल मॉड्यूल में आप जब क्लिक करेंगे तो आपको सिंपल ऐड करना है, उसका अकाउंट नंबर डालना है, क्या आइटम उसे इशू कर रहे हैं वो इनपुट करना है और सेव कर देना है। इसी क्या होगा, जो भी आइटम आपने इशू किया उसके अकाउंट में उस डेट में चढ़ जाएगा। जब भी मिल्क बिल बनाएंगे तो ऑटोमेटिक ये आइटम इससे शो करके डिडक्ट कर देगा। नेक्स्ट ऑप्शन जो हमारे ऑप्शन में आता है लोन या एडवांस अमाउंट। जब कोई भी सदस्य जो आपको दूध देता है किसी भी समय वो आपसे कुछ कैश या नगद उधार मांग सकता है, और जब हमें नगद उधार जो देना पड़ता है उसका भी हम लोग अकाउंट मेंटेन कर सकते हैं कि उस सदस्य को किस समय कितना अमाउंट हमने उधार दिया था। उसके लिए सिंपल एक ऑप्शन है लोन का, लोन पर क्लिक करके उसका अकाउंट नंबर डालना है, उसे जैसे सेव करोगे तो वो उसके अकाउंट में चला जाएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है मिल्क बिल का। मिल्क बिल फाइनल पेमेंट जो 10 दिन के बाद हमारी बनती है उसमें सोसाइटी कोड डालना है, और जैसे कोड डाल के एंटर डालेंगे ऊपर जो डेट होगी लास्ट डेट होगी, जैसे मान लीजिए 1 से 10 तारीख की 10 तारीख डेट होगी और 11 से 20 है तो 20 तारीख डेट होगी। 20 तारीख डेट जैसे एंटर डालेंगे तो ऑटोमेटिक सारी कैलकुलेट करेगा कि लोन कितना इशू किया हुआ है, ऐसे आइटम कितना इशू किया है, दूध इससे कितना कलेक्ट किया हुआ, कैन हैंडलिंग चार्जेस सब डिडक्ट करके नेट पेबल अमाउंट इसका बना देगा, और वो आपको शो करेगा नेट पेबल अमाउंट में। जितना आपको अमाउंट पे करना है उतना आप नीचे मेंशन करके सेव कर सकते हैं।
दूसरा है मिल्क बिल प्रिंट ऑप्शन में जो हमारा 10 दिन का दूध है बना हुआ उसे हम प्रिंट कर सकते हैं। इस ऑप्शन में अगर आप देखेंगे तो आपको मिल्क बिल में सबसे ऊपर दूध डेट नज़र आएगी, उसके नीचे सोसाइटी कोड है, सोसाइटी आईडी जैसे आप एंटर डालेंगे इस सदस्य का हेड लोड कमीशन क्या है परसेंटेज वो शो करेगा, साथ में एडवांस कितना लिया है वो शो कर देगा। शो पर जब क्लिक करेंगे तो पूरा का पूरा बिल बना देगा उस कमीशन के हिसाब से। अगर मान लीजिए हमें इस कमीशन हेड लोड किसी कारण से कम करना है, मान लीजिए, और या हमें पिछला कितना इसे हेड लोड कमीशन इशू किया वो देखना है, उसके लिए साइड में दो बटन दिए हैं उस पर क्लिक करके भी आप देख सकते हैं। और अगर हेड लोड कमीशन को अपडेट करना है तो हेड लोड कमीशन में हेड लोड का रेट, कमीशन में कमीशन का रेट डालकर आप जब राइट साइड में अपडेट हेड लोड इसने अपडेट किया हुआ। नेक्स्ट है ट्रकशीट। जब भी दूध कलेक्ट होता है तो उसका ट्रकशीट आप लोग तैयार करके दे सकते हैं। कोई भी सदस्य अगर मांगता है ट्रकशीट वगैरह आप देना चाहे तो वर्टिकल हॉरिजॉन्टल दो फॉर्मेट है इसमें, या वर्टिकल में आप देना चाहें वर्टिकल में, हॉरिजॉन्टल में देना चाहें हॉरिजॉन्टल में, दोनों आपको प्रिंट करके निकाल के दे सकते हैं। इसमें सारी जानकारी होती है, परचेज नंबर, डेट, शिफ्ट, मिल कितना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाती है। दूसरा हमारा सॉफ्टवेयर में एक बेनिफिट है कि एक्सपोर्ट कर सकते हो, जो भी आपने डाटा कैलकुलेट किया हुआ है, दूध वगैरह लिया हुआ है, उसको एक्सपोर्ट कर सकते हो। उसमें सीधा सोसाइटी पे क्लिक कर रहे हैं किस पूरा का पूरा डेट का मेंबर समरी जो है, कलेक्शन जो जितना भी किया ऊपर से डेट नीचे डेट डालना है, स्टार्ट डेट एंडेड, उसका एक्सपोर्ट टू एक्सेल पे क्लिक करना है। एक्सपोर्ट टू एक्सेल पे क्लिक करते ही एक्सपोर्ट कर देगा एक्सेल फाइल। इस फाइल का बेनिफिट ये होता है कि आप किसी भी सॉफ्टवेयर जैसे बिजी हो गए टैली, अगर उसमें आप इंपोर्ट करना चाहें डाटा तो आप इस एक्सेल फाइल से इंपोर्ट भी। दूसरा हमारा सॉफ्टवेयर में बेनिफिट है रूट वाइज मिल्क बिल। रूट वाइज मिल्क बिल भी आप हमारे सॉफ्टवेयर के थ्रू देख सकते हैं। इसमें क्लिक करने से रूट वाइज मिल्क बिल शो कर देगा किस रूट में हमारा कितना दूध कलेक्ट हुआ है, कितना केजी फैट, कितना एसएनएफ वगैरह क्या है, वो उसमें आप शो कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे ऑप्शन जो सेकेंड ऑप्शन जो मेन ऑप्शन है कि टैंकर कॉन्ट्रैक्टर का भी हम लोग हिसाब किताब मेंटेन कर सकते हैं। टैंकर कॉन्ट्रैक्टर वो होते हैं जो हम लोग व्हीकल हायर करते हैं दूध को शिफ्ट करने के लिए। मान लीजिए यहाँ से बड़ी डेयरी में हमें दूध भेजना है तो उसके लिए किस कॉन्ट्रैक्टर का क्या टैंकर है, 2,000 लीटर या 20,000 लीटर या 10,000 लीटर का जितना टैंकर है उसे हम हायर करते हैं। सबसे पहले टैंकर कॉन्ट्रैक्टर का डिटेल बनता है, उसके बाद व्हीकल क्या व्हीकल है, उसकी क्या कैपेसिटी है, कितना किलोमीटर हम रेट वो हमसे ले रहा है, उसकी डिटेल एक तैयार हो जाती है। उसके बाद हम देखते हैं टैंकर बिल। टैंकर बिल में क्या होता है कि जब भी हम लोग व्हीकल कॉन्ट्रैक्टर को हायर करते हैं और उसको टैंकर को भेजते हैं तो उसमें हमारा डिटेल इसमें इनपुट करते हैं किस कॉन्ट्रैक्टर का है, कौन सी गाड़ी है, कौन ड्राइवर जा रहा है, कितने किलोमीटर उसका रेट है, टोटल अमाउंट क्या होता है, कैश हमसे कितना लिया, डीजल कितना लिया या क्या टोल लगेगा एक्सपेक्टेड, और बैलेंस अमाउंट कितना रह जाता है, ये सब जो डाटा इसके इनपुट होता है इससे क्या होता है व्हीकल कॉन्ट्रैक्टर का एक बिल बन जाता है। और बिल से हम लोग आगे कैलकुलेशन कर सकते हैं कि उसको बाकी हिसाब कितना है, हमने कैश दिया है, डीजल दिया है या टोल दिया है, उसके बाद जो हिसाब बच जाता है वो हम लोग उसे कैलकुलेट कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं कि कितना उसका बिल बना, प्रिंट करके देना चाहें तो प्रिंट करके दे भी सकते हैं। नेक्स्ट टैंकर बिल पेमेंट। टैंकर बिल पेमेंट के अंतर्गत आप टैंकर का जो हिसाब बनता है, जो ठेकेदार बनता है, उसमें सिंपल ऐड पे क्लिक करके कॉन्ट्रैक्टर आईडी डालना, आईडी डालते हैं इसका अमाउंट उस डेट तक बन जाएगा, कितना अमाउंट इसको हमें पे करना है, जो भी कुछ अमाउंट पे करेंगे वो नेक्स्ट उसके बिल में एडजस्ट हो जाएगा जो हमने चार्ज किया हुआ करता है। फोर्थ ऑप्शन जो है वो डेयरी अकाउंट, जिस बड़े डेयरी को आप दूध भेज रहे हैं या टैंकर बना के भेज रहे हैं उसका क्या खाता है वो भी आप मेंटेन कर सकते हैं। वो क्या फैट रेट लेता है, क्या एसएनएफ उसका परसेंटेज है, फैट परसेंटेज कितना, एसएनएफ परसेंटेज क्या, क्या पार्ट लेता है, वो पूरा का पूरा मेंटेन कर सकते हैं। तो सर्वप्रथम उसका डेयरी का अकाउंट बनाएंगे, डेयरी का अकाउंट में उसमें पूरी डिटेल डालेंगे कि क्या परसेंटेज है, फैट परसेंटेज कितना, एसएनएफ परसेंटेज पूरा डाल के जब सेव करेंगे, जब भी इसका डेयरी सप्लाई का बिल बनाएंगे तो उसमें हमारे सॉफ्टवेयर में एक सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि उसका पहले सबसे पहले ऐड करोगे डेयरी का अकाउंट नंबर डालते ही किस परसेंटेज क्या रेट से हम उसे कैलकुलेशन करना है वो इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब मान लीजिए कितना लीटर दूध आपने दिया है, मान लीजिए 2,000 लीटर दूध दिया है, फैट कितना बनता है, उसका एसएनएफ कितना बनता है, मान लीजिए 12,000 लीटर है, तो फैट डालेंगे इसमें, सीएलआर डालेंगे, एसएनएफ डालेंगे, और प्राइवेट रेट मान लीजिए 3200 का भाव है या 3500 का भाव है वो भी आप इसमें डाल सकते हैं। दूसरा मैनुअली आप एसएनएफ एक फार्मूला सेलेक्ट कर सकते हैं कि डेयरी का एसएनएफ फार्मूला क्या है, हम लोग किस एसएनएफ फार्मूला से परचेज कर सकते हैं, देने वाला एसएनएफ फार्मूला क्या है, वो भी आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं। तो जैसे रेट में आप भाव डाल के आप एंटर दबाएंगे तो हमारा सॉफ्टवेयर क्या करेगा, ऑटोमेटिक फैट रेट एसएनएफ रेट बनाएगा कि फैट अमाउंट कितना हो रहा है वो बनाएगा, एसएनएफ अमाउंट कितना हो रहा है वो टोटल बनाएगा, इस तरह से टोटल उसका बिल जनरेट कर देगा कि हमने ये दूध सप्लाई किया उसका टोटल बिल हमारा कितना बनता है, और इसे आप सेव कर सकते हैं। इस सॉफ्टवेयर के अंदर डिस्पैच भी प्रिंट करना चाहें
जब आप डेली को बिल काटते हैं तो डिस्पैच बनता है, डिस्पैच को प्रिंट करना चाहिए, डिस्पैच पर क्लिक कर डिस्पैच भी प्रिंट कर सकते हैं। जब प्रिंट पर क्लिक करेंगे तो डेली का पूरा अकाउंट शो करेगा कि उसका फैट सी एल आर एस एन के जी फैट कितना अमाउंट है और कितना उसका पेंडिंग बैलेंस है वो भी इसमें शो करेगा। ये भी आप फॉरवर्ड करना चाहें तो फॉरवर्ड कर सकते हैं। अब मिल्क सप्लाई स्टेटमेंट मान लें क्रॉस टैली करना है कि हमने डेली को कब कब दूध क्या क्या रेट में सप्लाई किया, वो भी कर सकते हैं। वो रिपोर्ट में जाके मिल्क सप्लाई समरी है उसमें डेली का अकाउंट नंबर डालिए, वो शो कर देगा। इसमें शो करेगा कि बिल नंबर क्या था, डेट क्या था, ट्रक नंबर, टाइम, क्वांटिटी, फैट सी एल आर एस एन एफ के जी फैट के जी एस एन एफ, रेट क्या था, उसमें दूध का रेट क्या था, फैट रेट क्या बना, एस एन एफ रेट बना और टोटल अमाउंट कितना बना, ये पूरा शो करके ऑटोमेटिक पूरा डिटेल तैयार कर देगा। दूसरा बिग बड़ी डेयरी से हम पेमेंट रिसिप्ट का भी हिसाब कर सकते हैं। मान लीजिए उन्होंने पेमेंट हमें बिग डेयरी पेमेंट दिया है, पेमेंट को भी हम इसके अकाउंट में जमा कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जब भी हम उसका स्टेटमेंट देखेंगे तो उसमें वो डिडक्ट करके शो कर देगा कि हाँ इसने इतनी पेमेंट दे दी है, भेज दी है, बाकी इतना बकाया। दूसरा हमारा सॉफ्टवेयर में एक प्रॉफिट एनालाइज कर सकते हैं कि हमने क्या रेट दूध परचेस किया, इस डेट से लेकर इस डेट में क्या रेट परचेस किया, और अगर मान लें इस डेयरी को हमने सप्लाई किया तो कितना हमारा प्रॉफिट रेशो कैलकुलेट करता है। तो प्रॉफिट कैलकुलेट करता है ये दोनों ऑप्शन में कैलकुलेट करता है कि पर लीटर रेट में अगर हम लोग करते हैं तो कितना कैलकुलेट हुआ, और फैट एस एन एफ रेट में कैलकुलेट करते हैं तो कितना कैलकुलेट हुआ। अच्छा, धन्यवाद आपके हमारे इस प्रोग्राम को देखने के लिए। किसी भी तरह की कोई समस्या सॉफ्टवेयर में हो या इससे संबंधित कोई भी जानकारी लेना चाहते हैं तो ये हमारा YouTube का चैनल है vsplusonline.com के नाम से। इसमें आप हमसे क्वेश्चन भी कर सकते हैं, ये मैटर नहीं करता कि आप हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। आप किसी भी कंपनी का सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं, अगर सपोर्ट चाहिए, किसी भी तरह की जानकारी लेना चाहें तो हम बेझिझक कॉल कर सकते हैं, या आप हमें इस मैटर YouTube चैनल पर नीचे कमेंट में आप अपना क्वेश्चन राइज कर सकते हैं। अगर कोई यूज़र हमारा सॉफ्टवेयर यूज़ करता है, उसको किसी तरह की कोई परेशानी आ रही है, कोई जानकारी लेना चाहता है, तो उसका को क्वेश्चन हमें इसमें डालें, हम उसके संबंधित जो वीडियो है तैयार करके उसको पोस्ट कर देंगे, वो यहाँ पर चेक कर सकता है। और दोस्तों लास्ट में आप सब्सक्राइब पर और एक नोटिफिकेशन बेल होता है उस पर क्लिक करना ना भूलें। इससे क्या होगा कि हमारा जब भी वीडियो पोस्ट होगा तो आपके पास इंस्टेंट पहुंच जाएगा, तो आप इसे देख सकते हैं। धन्यवाद।